ओम श्री हनुमत श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों आज आपको जानकारी दूंगा ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक सूर्य मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 जुलाई प्रातः 5:07 पर मित्र कर्क राशि में प्रवेश कर और इनके राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी आपको जानकारी देंगे। मित्रों सूर्य को ग्रह राज कहते हैं, ग्रहों का राजा। गत वीडियोज में भी आपको बताता रहता हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य से आपको यश मान सम्मान प्रसिद्धि उच्च पदों की प्राप्ति, खासतौर से सरकारी नौकरियों में राज्य पक्ष में उच्च पदों की प्राप्ति होती है। सूर्य से आपको नेम फेम यश मान सम्मान मिलता है। जहां तक जहां जाता है आदर गण्य रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ती है। सूर्य के समान चमकता है। अशुभ स्थिति होने पर बहुत प्रयत्न मेहनत करने पर भी समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और बहुत ज्यादा आदमी सम्मान प्राप्त नहीं करता। तो मित्रों यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, चंद्र राशि नहीं मालूम है बत्तीस नाम से देख लीजिए। और चैनल पर रहे हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री राम। मित्रों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वृषभ राशि वाले जातकों को ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा। यहां पर देखिएगा जो सूर्य आ रहे हैं आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बहुत शुभ स्थिति मित्र राशि में है। थर्ड हाउस में तीसरे घर में सूर्य बहुत यश मान सम्मान आपको, पराक्रम साहस सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रेवलिंग करते हैं उसके थ्रू कोई बिजनेस नौकरी करते हैं, नए संबंध नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और छोटे भाई बहन मित्र वर्ग पड़ोसी वेल विशर मिलने जुलने वाले लोग उनके बीच में भी आपका नाम आपकी इंपॉर्टेंस अहमियत आपकी बढ़ेगी। नए संबंध स्थापित होंगे, उनसे आप लाभ गेन करेंगे और जो भी नकारात्मक सोच आपके अंदर चल रही है सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली इच्छा शक्ति विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ला लें, धैर्य और संयमता का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब और मित्रों यहाँ पर करियर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि यहाँ पर शनि सूर्य षडाष्टक दोष बनाकर बैठे हैं, लेकिन सूर्य पिता हैं तो पिता अपने पुत्र का कभी वध नहीं करते। तो यहाँ पर करियर व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। आप नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय या कोई भी कार्य करते हैं उसमें बदलाव कोई चेंजेस लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। यहाँ जितने मेहनत करेंगे जितना प्रयत्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्थिरता प्रदान होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सोर्स ऑफ इनकम अचानक से बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा यहाँ पर जो नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से अगर आप जूझ रहे हैं तो वहां से भी आपको राहत मिलेगी। थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए मेहनत कीजिए निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी गुड न्यूज मिलेगी, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं या कोई नौकरी पढ़ाई या बिजनेस में तरक्की उन्नति और संतान का सहयोग ओवरऑल संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है कि प्रयास रहते हैं, कोई मास्टर्स करना है कोई कोर्स करना है, कोई कन्फ्यूजन से दूर होंगे प्रयास कीजिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चोट फेट एक्सीडेंट और थोड़ा हॉस्पिटलाइज होना, थोड़े हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से सचेत रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जरूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त इस कार्यों को करें, अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। तो मित्रों यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। तो एक बार अपनी कुंडली का विषय शुरू करें, अगर वृषभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तब संभवतः यह परिवर्तन आपके लिए काफी लाभदायक तरक्कीदायक लाभदायक से। और अगर आपकी कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है पक्ष में नहीं है तब थोड़े शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है।
तो मित्रों एक बार आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, क्योंकि जब दोनों चीजें टैली होती है तो शत प्रतिशत परिणाम आता है, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उपाय के तौर पर आप सिंपल सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घेंगे, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए सूर्य का आपके लिए लाभदायक है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर क्या ग्रहों की स्थिति चल रही है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।